अच्छा अब आप मुझे ये बताओ, आपको कितने महीने हमने ये दिया? 5 महीने होगा लगभग। 5 महीने आपको ये दिया, इनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको उपयोग करना नहीं आता था, उपयोग करना सीख गए होंगे। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इधर इधर खासतौर से ये बेटियाँ जो बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, वो इस बात को ध्यान से समझे। आप अभी स्कूल में जाती होंगी, पढ़ती होंगी, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। तो अगर आप घर में यंग हैं, मतलब कि नौजवान हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, युवा हैं, अगर आपके घर पे आपकी मम्मी हो, चाहे दीदी हो, चाहे चाची हो, चाहे मौसी हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई पड़ोस का हो, अगर वो गंदे कपड़े का उपयोग करता है तो कृपया उसको उपयोग ना करने दें, उसको पेड़ का ही उपयोग करने दें। आपको हम लोगों ने 5 महीने दिए हैं, जिनको पहली बार महीना आता है आप उनको भी इस बारे में बताएं। और कभी भी हो, गंदे कपड़े से कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, और आप जानते हैं कैंसर लाइलाज है, आप कितना भी पैसा खर्च कर लें फिर उससे राहत नहीं मिलेगी। तो कोई भी गंदे कपड़े का उपयोग ना करें, या कपड़े अगर कपड़े का उपयोग करना है तो वो कपड़ा भी ऐसा हो कि एकदम साफ सुथरा हो, ऐसा नहीं हो कि आपने उसको कहीं पोटली में से निकाला, गंदा रखा हुआ था, या जमीन से निकाला और उसके ऊपर उपयोग किया, ऐसा कभी मत करें, ये बीमारियाँ फैलाता है बहुत ज़्यादा। आप अगर साफ कपड़े का उपयोग कर रहे हैं तो उसको गर्म पानी से धोकर धूप में सुखाएं फिर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इसका उपयोग करें, ज़्यादा महंगा नहीं आता। ऐसे सुरक्षा किसकी है? मेरी, आपकी, आपकी सुरक्षा है। तो गुड़िया मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ और भी बेटियाँ हैं, अपने घर पर कोई भी इसका ही उपयोग करना, कोई भी गंदे कपड़े का उपयोग करने मत देना। पैड चाहिए हो मीना दीदी के पास, कम पैसे में पैड मिलेगा, यानी कि अगर और जगह से आप कितने का भी ले रहे हो लेकिन उनके पास सस्ता और अच्छा पैड मिलेगा, तो गांव में आपको कहीं भी किसी दुकान या कहीं। वो गाँव की थी, क्या हुआ एक बार उसने गंदे कपड़ा ले लिया और उसको ये नहीं पता था ये कैसा है, उसने पता है क्या थे, छुपकली के अंडे रखे हुए थे, उसको इतना फिर इलाज चला उसका बहुत ज़्यादा, मतलब इसी तो हमको साफ सुथरा कपड़ा और ज़्यादा हो सके तो सैनिटरी पैड का ही उपयोग करना है। देखो ये हमारा पैड है, ठीक है, इसका क्या करना है, ये सबसे पहले ये पीछे वाला हिस्सा निकालते हैं, ये टेप रहता है, ये हमारी अंडरवेयर रहती है, समझे, ये है, इसको इस पर ऐसे लगाते हैं, ये चिपक गया इससे, ठीक है, इसके बाद ये वाला टैप रहता है, ठीक है, फिर दोनों साइड से इसको ऐसे चिपकाते हैं हम, ये चिपक गया और ये ऐसे चिपक गया, बिल्कुल ये बिल्कुल निकलेगा नहीं, आप इसको अच्छे से पहन सकते, कोई सा भी काम कर सकते, कपड़े से क्या होता है वो खिसक जाता है या सारी चीज़ें होती है, इसलिए हमें इसका ये अच्छा रहता है, कोई सी बीमारी नहीं होती और हमें कुछ भी नहीं होता, इसलिए हमें सैनिटरी पैड का ही उपयोग करना चाहिए, ठीक है। हाँ वैसे ही इस्तेमाल सितंबर तक मैंने अप्रूवल कर दिया।